Hello friends, welcome back to Fab Foodies. Today we have completed 1000 subscribers with all your blessings and love and support. Thank you so much guys. And now we are celebrating this with some sweet dish. Yes, today I am going to make a लौकी का हलवा. ये बहुत ही सिंपल, ईजी और एक बेसिक स्वीट है जो मोस्टली हर इंडियन फैमिली में बनती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है 2 टेबल स्पून. गोल्डन ब्राउन होने तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे. इसके अंदर मैंने रेजिन्स, एलमंड्स और कैश्यू लिए हैं जिसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ. अभी आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर के हो चुके हैं और जो हमारी रेजिन्स थी वो भी सारी पफ्ड हो चुकी है, फूल चुकी है. तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी. इसी घी के अंदर मैं अभी दूधी को मैंने, लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे मैंने वॉश किया था ताकि ये ब्राउन कलर की ना हो जाए, ताकि इसका कलर डार्क ना हो जाए. तो अभी मैं इसको फिल्टर करके अच्छे से फिर इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे और उसे हम कुक होने, जैसे जैसे हमारी लौकी कुक होती जाएगी वैसे ही ये श्रिंक होती जाएगी तो इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी. अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो लौकी है वो थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी है, कुक हो चुकी है. तो मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी, मिल्क ऐड करूँगी इसके अंदर. मैंने 1.5 कप मिल्क लिया है. एक्चुअली आप इसके अंदर कम भी ले सकते हैं क्योंकि लौकी को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी कुक हो जाती है. इवन 1 कप में भी कर सकते हैं, पर थोड़ा दूध ज़्यादा हम डालेंगे तो एक अच्छे से कुक हुआ बनेगा, वो बहुत ही सॉफ्ट और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा. तो मैं इसे कुक कर रही हूँ. अभी इसे थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है. तो मैं इसके अंदर खोया ऐड कर रही हूँ. 1 कप खोया मैंने ऐड किया है यहाँ पर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे. जैसे ही ये कुक होता जाएगा वैसे ही ये थिक होने लगेगा. अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है. तो मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँगी. शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं. 500 ग्राम मैंने लौकी ली है तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप शुगर ऐड की है. आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं यहाँ पर. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कुक होने देंगे क्योंकि जैसे ही शुगर मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो उसका पानी बन जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और लिक्विड हो जाएगी. तो आप गाढ़ा होने तक कुक करेंगे. आप देख सकते हैं अभी हमारा हलवा गाढ़ा हो चुका है. तो इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हमारा हलवा जो है वो पैन को छोड़ने लगा है, यानी कि हलवा बन के रेडी है. इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है. अगर आप चाहें तो इसके अंदर पिंच ऑफ ग्रीन कलर, फूड कलर जो आता है वो ऐड कर सकते हैं जिससे कि हलवे का कलर एकदम ग्रीन बनता है, पर ऑप्शनल है. मैंने यहाँ पे कोई कलर ऐड नहीं किया है. तो हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार है. आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें. इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And once again, thank you so much guys to give your love and support to us. Thank you.